आप डॉक्टरी करते करते कैमरा कैसे हाथ में पकड़ लिया? डॉक्टर के हाथ में तो ज्यादातर वो सुई धागा और टांके स्टिचेस वगैरह। तो सही बताओ मुझे, तो मेरे सामने जो मेरा क्लाइंट होता है वो भी अगर 2-4 सेकंड के लिए भी इधर, तो मैं भी गुस्सा हो जा रहा है यार, क्या आप लोग हिल जाते हो, थोड़ा शांति से कर। जब हम ग्रुप पिक्चर्स लेते हैं वेडिंग में, सब सही ढंग से नहीं खड़े होते। कभी इसको बोलो तो ये भाभी जी इधर मुंह कर लेती, कभी ये भाभी जी को बोलो तो भैया जी मुंह इधर कर लेते, कभी फूफा का देखना उधर, कभी मामा। तो हमारे अंदर इतना पैशंस नहीं है। तो आपके जितने भी जॉनर है उसमें ज्यादातर बहुत पैशंस लगता है कि बहुत इंतजार। मामी फूफा को तो आप बोल भी सकते हो कि आप प्लीज उधर देखिए, लेकिन शेर या लेपर्ड को तो मैं नहीं बोल सकता। कहां मोमेंट मिलेगा वो आपको नहीं पता। सर के पीछे भी 2 आंख चाहिए और 4 आंखों से आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहां वो मोमेंट मिल जाए, और वो मोमेंट पे कैप्चर करना बहुत ही जरूरी है। सब में मैं भी बताता हूं कि आपको अगर एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर बनना है तो आप हमेशा कैमरे के पीछे बैठ के देखिए, ना कि स्क्रीन के आगे। यानी कि आपको हर एक कहानी को देखना है, कंपोजिशन को देखना है, रूल्स को देखना है, और हर पिक्चर हर वीडियो आपके लिए ट्यूशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम बरिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट में, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जानदार और एक अलग ही दुनिया के जो फोटोग्राफर है, अलग ही जॉनर है उनका। और जब से मैंने इनके साथ यानी कांटेक्ट में आया, इनके परिचय में आया, इवन कि आपकी प्रोफाइल ज्यादातर लॉकडाउन में वायरल हुई और इन डिफरेंट लॉकडाउन मैंने आपको देखना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि अच्छा, इस टाइप की भी फोटोग्राफी होती है। तो कुछ उस टाइप की फोटोग्राफी में किस टाइप की फोटोग्राफी है, सर अपने मुंह से खुद से बताएंगे। तो सर, पहले तो हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि आप कौन हो, कहां से हो और क्या करते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हितेश पटेल, पेशे से मैं MD फिजिशियन हूं, और मेरा पेशा है सीरियस पेशेंट की जान बचाना। लेकिन ज़्यादातर लोग, अगर ऐसा कहूं कि पूरी दुनिया मुझे अच्छे फोटोग्राफर से ज़्यादा जानती है डॉक्टर के बजाय, वैसे हॉबी से मैं फोटोग्राफर हूं, पेशे से मैं डॉक्टर हूं, और बेड टाइम में जब नींद नहीं आती तो मैं AI आर्टिस्ट हूं। AI आर्टिस्ट, वाह, ये बहुत ही अच्छा शब्द हमें सुनने मिला, AI आर्टिस्ट। क्योंकि बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर जो है उन्होंने मुझे पूछ रखा है, क्योंकि मैं जब वेडिंग फोटोग्राफरों की वर्कशॉप्स में होता हूँ एज अ मेंटर, तो लोग बोलते हैं कि सर AI आने के बाद फोटोग्राफी क्या खतरे में है, ऐसा पूछते हैं। तो आप बताइए कि आपने जो बोला AI आर्टिस्ट, तो क्या AI के बाद फोटोग्राफी खतरे में है कि अच्छे दौर पर है? तो गौतम भाई, आप बोलिए कि आप पहले रोल कैमरा इस्तेमाल करते थे? यस, रील वाले कैमरा। तो मान लीजिए कि आज कोई वर्कशॉप में जाते हो आप, और बहुत सारे आप तो वर्कशॉप करते हो, तो कोई भी रोल कैमरा वाला जो पूरे तरह से रोल कैमरा पे ही फोटो निकालता है, ऐसा कोई आदमी आपको मिला है आज तक? कि तो कहने का मतलब आपके उम्र वाले सारे रोल कैमरा इस्तेमाल करते थे। हाँ, हाँ। जब डिजिटल कैमरा आया तो वो सब डिजिटल कैमरे में शिफ्ट हो गए। यस। तो एक वापिस एक बार रिवॉल्यूशन आ रहा है और AI फोटोग्राफी से जुड़ रहा है, और AI खाली फोटोग्राफी से नहीं जुड़ रहा है, बहुत सारे बिजनेस इससे जुड़ रहा है। अगर मैं मान लीजिए मेरे पेशे की बात करूँ, तो बहुत सारे डॉक्टरों को भी डर लगता है कि शायद अब हमारी छुट्टी हो जाएगी और AI ही डायग्नोस करेंगे, ऐसा मानने में भी आया है, और ऐसा प्रयोग भी हुए हैं कि जिसमें डॉक्टर से पहले AI ने कैंसर डिटेक्ट किया और ट्रीटमेंट भी डॉक्टर से पहले ही बता, लेकिन फिर भी अगर उसको मदद की जरूरत पड़ेगी तो सर्टिफाइड डॉक्टर तो लगेगा। यस, बराबर। वैसे ही अगर आप ये रिवॉल्यूशन में जुट जाओगे, बराबर, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप रोल से आगे नहीं बढ़ते, या जब कंप्यूटर आया तब कंप्यूटर नहीं लेते, तो आप आज यहाँ पे नहीं होते। तो अगर आप इसमें जुट जाते हो तो ये आपका साथी है, अगर आप इससे जुटते नहीं हो तो ये आपका दुश्मन है, सीधी सी बात है। यानी किसी भी नई टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। हाँ, कि आपका कहने का मतलब ये है। अच्छा सर, आप जैसे आप बोल रहे हो कि आप पैसे से डॉक्टर हो, लोगों की जान बचाते हो, और ये फोटोग्राफी यानी आप शौकियाना तौर पे करते हो, तो आपको ये शौक लगा कब से? आपने सबसे पहला कैमरा कहाँ से खरीदा, और आप डॉक्टरी करते करते कैमरा कैसे हाथ में पकड़ लिया? डॉक्टर के हाथ में तो ज्यादातर वो सुई धागा और टांके स्टिचेस वगैरह कुछ लेते हैं, या तो कान में वो लगा होता है स्टेटोस्कोप, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, स्टेटोस्कोप ही बोलते हैं ना? हाँ जी, हाँ, स्टेटोस्कोप लेके दिल की धड़कन जो नापते हैं, तो दिल की धड़कन नापते नापते आपकी दिल की धड़कन में कैमरा कैसे बैठ गया, वो जरा आप हमें बताएंगे।
तो ये जो 8x10 का इंस्ट्रूमेंट है कैमरा, कैमरा बॉडी, तो वो मुझे छुट्टी देता है। और जैसे मान लीजिए मेरा पेशा जुड़ा है कि मुझे एक कंसल्टिंग रूम में बैठना पड़ता है, तो वो एक आप जैसे जेल की तरह सोचिए कि मैं पूरी जिंदगी 8x10 की या 10x10 की कैबिन में बैठता हूँ और हर रोज दुखी चेहरे देखता हूँ और दुख या पीड़ा से ग्रसित लोगों को देखता हूँ। तो ये जो टेक्नोलॉजी का टुकड़ा है वो मुझे दुनिया से जोड़ता है और खुशियाँ देता है। मान लीजिए कि अगर हम किसी के सामने कैमरा आगे करें तो वो तुरंत स्माइल करेगा, तो जब कैमरा मेरे हाथ में होता है तो मुझे ज़्यादातर स्माइलिंग फेस देखने को मिलता है जो मेरी दुनिया में रेयर है। वाह ग्रेट, यानी सीधी बात है, आपने जैसे बोला तो आई थिंक मुझे याद है, मैं एक बार थाईलैंड गया था तब मुझे 3 डॉक्टर मिले थे महाराष्ट्र से, तो उन्होंने यही बताया कि हम लोगों को मेंटली इतना स्ट्रेस होता है, और मैं हाथ में कैमरा लेके वहाँ घूम रहा था तो बोले आपका फील्ड कितना अच्छा है कि आप पूरा एकदम आज़ादी से घूमते हो, घूमने को भी मिलता है, और इवन के क्लाइंट हम पे हमारे पे पैसा खर्चा करता है कि आप यहाँ पे आइए और हमारा फोटो क्लिक करिए, तो हम तो ज़्यादातर क्लाइंट के प्लेसेस से ट्रैवल करते हैं, तो बोले आपको कितना अच्छा मौका मिलता है। तो मैंने उनको बोला यार जैसे अच्छी सी बात है, मैं फोटोग्राफर हूँ, मुझे डॉक्टर का फील्ड अच्छा लगता है कि एक ऐसी ऑफिस में बैठ के मस्त दर्दी आ रहे, पेशेंट आ रहे, बीमारियाँ छा रही है, एटमोसफेयर चेंज हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन जब उनसे भी मिला और आपसे अभी जब मिल रहा हूँ और आपने जो बोला कि नहीं यार वहाँ तो सिर्फ दुखी चेहरा, आप मैंने बोला वैसे सोचिए था आपको पता चलेगा कि हर रोज दुखी चेहरा और मतलब सुबह से शाम तक दुखी चेहरे देखना आपको कैसा लगेगा। मान लीजिए कि अगर मैं तो सीरियस पेशेंट में काम करता हूँ, ज़्यादातर पेशेंट मेरे वेंटिलेटर वगैरह पे रहते हैं, तो आप सोचिए कि जो मुझे रिलेटिव भी मिलते हैं वो चिंताग्रस्त मिलते हैं, और मान लीजिए 1, 2, 3, 4 दिन में कोई ना कोई ज़्यादातर डेथ होता है या ज़्यादा सीरियस हो जाता है, तो वैसे सोचिए तो आपका फील आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्राउड टू बी अ फोटोग्राफर, यानी एक आप सोचिए कि डॉक्टर को कितनी तकलीफ होती है, उन्होंने एक पेशा चुना कि मैं डॉक्टर बनूंगा। प्राउड टू बी अवर सेल्फ वी आर अ फोटोग्राफर, और जब इन्होंने बोला तो डॉक्टर का भी एक अहम काम है लोगों की जान बचाना, ठीक है, और वही जान बचा लेते हो और जब वो हंसते हुए आपके कैमरे के सामने आते हैं तो आपको और खुशी मिलती होगी, आपको हमारे से दुगनी खुशी होती होगी। तो आप वही कि आप डॉक्टर थे और आपने कैमरा हाथ में पकड़ लिया। तो जोक सपाट कि मुझे मेरा पेशा बहुत अच्छा लगता है, जो मैंने डॉक्टर का प्रोफेशन अपनाया वो भी मैंने बाय पैशन ही अपनाया है, क्योंकि किसी को जान देना या किसी को दुख में सहारा देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उससे जो खुशी मिलती है, और जब कोई मरता हुआ पेशेंट अगर मैं बचा लेता हूँ तो मुझे अंदरूनी खुशी मिलती है, वो भी बहुत अद्भुत होती है। और जब रिलेटिव या वो पेशेंट हमें भगवान के तौर पे देखता है, कई बार तो वो शब्दों में नहीं बयान करता लेकिन वो उसकी आँखों में दिख जाता है, तो तब लगता है। और जब भी कोई कहता है कि आप मेरे लिए भगवान हो, तो मैं ऐसा ही कहता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, खाली ये काम के लिए मुझे चुना गया है, भगवान ने मुझे चुना है, तो उसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, और आप भी करिए। नहीं लेकिन इस धरती पे शायद सही बात है, आपने जैसे बोला कि धरती पे शायद भगवान के बाद कोई हो तो डॉक्टर है, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियाँ ऐसी है जिसमें डॉक्टरों ने ही काबू पाया है और डॉक्टर के हिसाब से ही बच पाए। कोरोना का वक्त था तब तो बहुत ही ज़्यादा हुआ था कि डॉक्टर है जो बचा सकते हैं लोग। तो यानी आप जो अपने आप को, यानी आपको जब लोग बोलते हैं कि आप भगवान हो तो आपको एक अलग फील होता होगा, और उसमें ही आप जब कैमरा पकड़ते हो, यानी कि मैं एक कैमरा मैन हूँ तो मैं भी अपने आप को कभी कभार एक गॉड समझ लेता हूँ कि मैं इस दुनिया को कैद कर रहा हूँ, इनकी खुशियों को कैद कर रहा हूँ। तो आपके पास तो डबल भगवान का होदा चला गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी हॉबी है, सबको अपनानी चाहिए, और एज अ हॉबी भी बहुत रिलैक्सिंग है ये। आपको अलग अलग जगह पे घूमना मिलता है, जैसे मान लीजिए आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं, आप शहरों के शौकीन हैं तो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कीजिए, अगर आप जंगलों में घूमना चाहते हो तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कीजिए, अगर बिहड़ों में घूमना चाहते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं हो वैसी जगह पे अगर आपको घूमने का शौक है तो आप एस्ट्रो फोटोग्राफी कीजिए। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है, और फोटोग्राफी और मेरी हॉबी से मैं जितना सीखा हूँ, जितनी नज़दीक से मैंने अपनी हॉबी से दुनिया देखी है उससे कम मैंने अपनी कैबिन में देखी है, और ये डॉक्टर कह रहा है।
उसका महत्व इसलिए ज्यादा है कि एक डॉक्टर कह रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि डॉक्टर तो बहुत सारी जिंदगी और मौत हर रोज अपने सामने देखता है, फिर भी मैं कहता हूँ कि मुझे जो अपनी हॉबी ने सिखाया है थोड़े दिनों में, वो मैं अपने प्रोफेशन से नहीं सीख पाया। अच्छा, मतलब जीवन के मूल्य जो मैं कहना मेरा तात्पर्य है वो जीवन के आधारित है। आपने अपना पहला कैमरा कौन सा खरीदा था? गौतम भाई, मुझे 2011 से पहले पता नहीं था कि DSLR क्या माया है या मिररलेस क्या माया है। ओके। तो मैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे फोटो देखता था, तो एक बार हिम्मत करके दो चार जो अच्छे फोटोग्राफ रखते थे सोशल मीडिया पे, उनको मैंने मैसेज किया, बाद में फ़ोन से बात हुई और पूछा कि अरे भाई आप ऐसे फोटोग्राफ कैसे लेते हो, मैं भी बहुत सख्त जगह पे घूमने जाता हूँ और मैं फ़ोटो खींचता हूँ तो मेरे फोटो में जान नहीं होती है। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कौन सा कैमरा है? तो मैंने बोला मेरे पास तो हैंडीकैम है, और मैंने प्राउडली बोला कि मेरे पास सोनी का हैंडीकैम है। तो वो जान के वो हंसने लगे कि अरे हितेश भाई, अगर आपको ऐसी फोटो खींचनी है तो आपको DSLR चाहिए। तब मुझे पहली बार पता चला कि एक DSLR करके भी कोई माया होती है, और वो अगर फोटोग्राफी में ले आए तो और सीखे तो उसे अच्छे फोटोग्राफ खींचे जा सकते हैं। 2011 में आपने DSLR से शुरुआत की। हाँ जी। और इतने कम समय में आप आज आप एक सक्सेसफुल मेंटर भी हो, यानी काफ़ी सारी जगह आपकी वर्कशॉप्स होती है, ऑनलाइन आपके भी सेमिनार्स वेबिनार सब होते हैं और ऑफलाइन भी होते हैं, और काफ़ी सारे लोग आपको बुलाते हैं, तो आपने इतने कम समय में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे हासिल की? मैंने अपने पैशन की वजह से ऐसा कह सकता हूँ, और मैं हंसते हंसते कहता हूँ कि मेरे पेट को चाहिए उससे बहुत ज़्यादा खाना मेरे दिमाग को चाहिए हर रोज़। ओके। और उसकी वजह से मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। जब मैंने कैमरा लिया तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना देखना शुरू किया, कैसे काम करता है क्या करता है, और मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, तब इतना इंटरनेट था भी नहीं। मैं तो एक छोटे से ट्राइबल टाउन में डॉक्टर हूँ और मैं गरीबों की सेवा करने के लिए वहीं बस गया हूँ, तो मेरे पास वैसे रिसोर्सेज भी नहीं थे कि कोई मुझे पकड़ के समझाए कि एपर्चर ये होता है, शटर स्पीड ये होती है। तो मैं अपने नज़रिए से उसको देखना शुरू किया और उसको सीखना शुरू किया, और तब जाके मुझे एक फ्रेंड मिला, वो एक फोटोग्राफ लेके आया और बोला कि 2011 में अंत की बात कर रहा हूँ कि हितेश भाई आजकल दुनिया में जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें ऐसे फ़ोटो निकालते हैं। तो फोटो देख के मैंने बोला ये तो बिल्कुल अंधेरे में निकाली हुई फोटो है, नाइट की फ़ोटो है और उसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो वैसी फ़ोटो कैसे निकालते होंगे, लोग तो अंधेरा होने पे कैमरा रख ही देते हैं। सही बात है ना, जब अंधेरा हो जाता है तो कैमरा फोटोग्राफर रख ही देता है। हमने सोचा कि एक बार जाके हम भी ट्राई करते हैं, क्योंकि हम बहुत अमेज हुए थे वो फोटोग्राफ देख के। तो हम दोनों जंगल में गए, एक तीसरे को भी साथ में ले लिया कंपनी के लिए। जंगल में तो बहुत घूमते थे लेकिन रात में जंगल में जाना हमारे लिए भी एक पहला अनुभव था। तो पूरी रात वहाँ बैठे, बहुत सारे जुगाड़ लगा के अलग अलग सेटिंग किया, और घर जाके थोड़े बहुत फोटोग्राफ जो हमें मिले जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे, फिर भी वो देख के हम अमेज हो गए, और तब से मैं उसके प्रेम जाल में आ गया। और तब से मैं नशा लग गया आपको, और उसका नशा लग गया, और तब से मैं एस्ट्रो लैंडस्केप कर रहा हूँ। वाओ, यानी ये एस्ट्रो लैंडस्केप, यानी कि ये शायद ही बहुत कम मुझे लगता है शायद, यानी वो मेरा जॉनर नहीं है, तो एस्ट्रो फोटोग्राफी या एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रो लैंडस्केप जो फोटोग्राफी आप बोलते हो, वो क्या शहर में करी जा सकती है, गाँव में या पहाड़ में, या तो उसका कोई पर्टिकुलर लोकेशन होता है या कोई जगह होती है, वो ऑडियंस जानना चाहेगी। एस्ट्रो फोटोग्राफी माने जो रात में जब बिल्कुल अंधेरा हो, तो ज्यादातर फोटोग्राफर ऐसी जगह चुनते हैं जहां लाइट हो। ओके। सो एज अ एस्ट्रो लैंडस्केपर मैं ऐसी जगह चुनता हूं जहां लाइट ना हो। ओके। और वहां मैं जाके जो बाहरी लाइट है, जो पृथ्वी से बाहर से आ रही है, वो लाइट के साथ मैं पृथ्वी के जो लैंडस्केप है वो खींचता हूँ। okay. और ये जोनरा को बोलते हैं एस्ट्रो लैंडस्केप। ओके। और उसके लिए हमें जो लगता है उसमें तो एक कैमरा लगता है, वाइड एंगल लेंस लगता है, ऑब्वियसली लाइट ज्यादा चाहिए तो एपर्चर ज्यादा होना चाहिए,
तो एपर्चर 4 से ज़्यादा हो सके तो 2.8 या 2 ऐसा अगर एपर्चर हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके साइड साथ आपको ट्राइपॉड लगेगा और बहुत सारी चीजों का नॉलेज लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप बारिश के मौसम में बाहर चले गए और ऑब्वियसली आपको स्टार्स नहीं मिलेंगे, उस दिन वेदर कैसा रहेगा, और वो घर पे तो नहीं कर सकते, कहीं दूर जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 40 50 60 किलोमीटर दूर जाते हैं, कई बार हम 200 किलोमीटर भी दूर जाते हैं, वो जगह का वेदर का प्रिडिक्शन करना पड़ता है। फिर लाइट नहीं चाहिए तो मून की भी लाइट हो तो वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है। मून की लाइट भी नहीं चाहिए तो अमावस के आसपास के दिन हम चुनते हैं, उसमें स्लो शटर स्पीड पे, वहां जो शटर स्पीड होती है वो 20-30 ऐसी होती है। गौतम भाई वहां जाके मैंने सीखा कि उसमें हिलती हुई चीजें नहीं लेनी है। अगर एक पेड़ है और वो बहुत पत्तेदार है और उसके पत्ते बहुत हिल रहे हैं पवन के झोंके से, तो वैसे अगर पवन के झोंके से वो बहुत सारे हिल रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि वो ब्लर आएंगे। और अगर मैं ऐसे 5-6 घंटे के शॉट्स इकट्ठा करूंगा तो वो पेड़ जैसा ही नहीं दिखेगा। तो ये सब मैंने सीखा कि ऐसा है, कंपोजिशन अवॉइड करना चाहिए, ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो पवन का भी मैं जो यहाँ बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को, वो ये है पवन को नापना भी कितना जरूरी है एस्ट्रो लैंडस्केप में। उसका एक उदाहरण दिया, समुद्र किनारे जाते हो और सी शोर पे अगर आप लैंडस्केप करना चाहते हो, आप मेरे बहुत सारे लैंडस्केप ऐसे देख सकते हो और आप सी शोर के नजदीक जाके कैमरा रख दिया और आपको जवार भाटे का ज्ञान नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि पानी कब ऊपर चढ़ेगा कब उतरेगा, और जैसे पानी उतरा हुआ हो और आपने वहां कैमरा रख दिया बरा, तो आपका जान का भी जोखिम हो सकता है या फिर बीच में आपको वो शॉट छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो ये सब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये एस्ट्रो लैंडस्केप करना पड़ता है, और शायद इसीलिए वो मुझे बहुत कुछ सीखा भी गया है। ये आपने जो बोला, एक तो अमावस्या की रात और जंगल में जाना, और शायद आप अकेले भी जाते होंगे कि कोई ग्रुप रहता है आपका? नहीं, 2-3 लोग होते हैं। ओके, अच्छी बात है। यानी मैं तो सोच के ही मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि अमावस्या की रात में जंगल में, वो भी अंधेरे में, जहाँ 1% भी उजाला नहीं है, और ऐसी जगह पे, तो बहुत ही सही में बहुत ही फैशनेबल है ऐसी फोटोग्राफी। आप जंगल की बात कर रहे हो, मैं थोड़ा संकी या थोड़ा पागल कह सकते हो वैसा आदमी हूँ, तो हमने सोचा कि हम ऐसा एक एस्ट्रो लैंडस्केप बनाए कि हम ऐसा दिखाए व्यूअर्स को कि ये आदमी को कोई प्रेतात्मा मिला। जंगल को जाने दीजिए, हमने एक कब्रिस्तान ढूंढा एक गांव में जो बहुत दूर था, और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया अमावस्या की रात को ही जाना पड़ता था, कब्रिस्तान में जाना है और लोग हमें उलट सुलट ना समझ ले, इसीलिए सारे लोग सो जाए उसके बाद जाना था। तो हम करीबन 12 बजे के आसपास वहां गए, हमने अपना सेटअप किया, सुबह होने तक वहां फोटो निकाले। तो आप समझिए कि जंगल तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, और बहुत बार मैंने लेपर्ड्स देखे हैं नजदीक से, हाइना देखा है, और लेपर्ड्स और हाइना की आवाजें तो कई बार। तो आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा कि कुछ हो जाएगा मुझे या ऐसा? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, और मुझे डर नहीं लगता, उसका डर मेरे फैमिली को लगता है। सीधी सी बात है, ऑब्वियस, यानी कि आप जंगल में जा रहे हो, हमें ऐसा की रात है, पूरी रात रात भर आपको कैमरा पकड़ के बैठना है, तो इट्स टू फैशनेबल वर्क। तो सही बताऊं, मुझे तो मेरे सामने जो मेरा क्लाइंट होता है वो भी अगर 2-4 सेकंड के लिए भी इधर, तो मैं भी गुस्सा हो जा रहा है, यार क्या आप लोग हिल जाते हो, थोड़ा शांति से। जब हम ग्रुप पिक्चर्स लेते हैं वेडिंग में तो उसमें सब सही ढंग से नहीं खड़े होते, कभी इसको बोलो तो ये भाभी जी इधर मुंह कर लेती, कभी ये भाभी जी को बोलो तो भैया जी मुंह इधर कर लेते, कभी फूफा का देखना उधर, कभी मामा, तो हमारे अंदर इतना पैशंस नहीं है। तो आपके जितने भी जॉनर है उसमें ज्यादातर बहुत पैशंस लगता है कि बहुत इंतजार। मामी फूफा को तो आप गौतम भाई बोल भी सकते हो कि आप प्लीज उधर देखिए, लेकिन शेर या लेपर्ड को तो मैं नहीं बोल सकता। और जहां जब भी मिले, और नेशनल पार्क में गए हो तो आपको पता होगा कि आपको वही ट्रैक पे चलना है, और वहां से जो मिले वो देखना है, वहां से जो मिले वहां से फोटो खींचना है, वो तो आपको पोज देगा नहीं और आपके मुताबिक खड़ा भी नहीं रहेगा, तो उसमें आपको
बहुत ही कारीगरी की जरूरत पड़ेगी। आपको जैसे पहले जो जोनरा की बात की उसमें स्लो शटर स्पीड की बात की कि कैमरे में जो शॉट्स बनाएंगे वो 3-4 घंटे के बनेंगे, और अभी जो वाइल्ड लाइफ में मतलब जो मैं करता हूँ उसमें शॉट्स बनते हैं 1:2000, 1:1000 की स्पीड पे। तो ये दोनों बिल्कुल अलग जोनरा है एक दूसरे से। एक में वाइड लेंस लगेगा तो एक में टैली लगेगा, एक में वाइड लगेगा, एक में टैली लगेगा, एक में हाई शटर स्पीड लगेगी, एक में बिल्कुल स्लो स्पीड लगेगी, बल्ब मोड पे कैमरा छोड़ना पड़ेगा। पहले फोटोग्राफी करते हो, मुझे एक लायन की फोटो खींचनी है, मतलब अपना गुजरात गिर का जंगल जो है बहुत ही फेमस है लायन की फोटो खींचने के लिए, या शेर की फोटो खींचनी है तो मुझे महाराष्ट्र नागपुर पेच का जंगल है आई थिंक सो, तो वहां जाना पड़ेगा। तो मुझे मान लो एक लायन का इंतजार करना है तो कितनी देर तक करना पड़ेगा कि कब तक आएगा लायन? 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना हो सकता है? ये मामी फूफा जैसा नहीं है। ये कई बार तो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि वाइल्ड लाइफ सफारी करते हैं तो वाइल्ड लाइफ सफारी में सुबह शाम जंगल में जाते हैं, आप जैसे ही हैं कि सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता है और करीबन 10 बजे वापिस आ जाती है जीप, और शाम को करीबन 3:30-4 बजे जंगल में जाने देते हैं और सनसेट पे वापिस आ जाती है, तो उतना ही समय मिलता है आपको जंगल में घूमने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि पूरी जैसे मान लीजिए 4 दिन तड़ोबा गए या रणथंभौर गए या बेरा गए और आपको लेपर्ड या शेर या ऐसा कुछ भी नहीं मिला और आपको जैसे कोक के या चीतल के फोटो निकाल के घर आ जाना पड़ेगा। यानी मुझे शेर की अगर फोटो खींचनी तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि बकरी का बच्चा लेके जाऊं वहां बाद दुगवाएगा मैं फोटो खींच के चला आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या? बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं जंगल में। अच्छा। आप जीप से नहीं उतर सकते, आप जीप से हाथ नहीं निकाल सकते, आप आवाज नहीं कर सकते, इवन अगर आप पैसिनेट है और जंगल को भी बचाना चाहते हो तो बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, और नाक की शक्ति है, ग्रानेंडिया है, वो हमारे से बहुत स्ट्रांग है। ओके। तो जैसे हम बहुत स्ट्रांग परफ्यूम लगा के जाते हैं तो वैसा भी नहीं करना चाहिए हमें। ओके। तो इतनी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए हम नाश्ता करते करते जाते हैं और वहां कुछ गिर जाता है तो वो सब भी वो कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे लोग पुण्य कमाने के लिए नमकीन खिलाते हैं शहरों में, तो वो भी गलत बात है। ओके ओके। वो उनके लिए नहीं बना है, अपना ही शरीर देख ले कि हमें जिम जाना पड़ता है, हर रोज कसरत करने जाना पड़ता है, तो वैसी ही चीज आप उनके साथ कर रहे हैं, जो चीज के लिए उनका शरीर नहीं बना है वो आप उनको दे रहे हैं, उनको नहीं खिलाना चाहिए। जैसे बंदरों को नमकीन खिलाते या वड़ा पाव खिलाते, ऑरेंज खिलाते, वो नहीं खिलाना चाहिए। जैसे आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए मैं ब्रिज गया था वृंदावन, तो वहां बंदर इतने आदी हो गए हैं कि आप अगर आप स्ट्रीट में चलेंगे तो बंदर आपके चश्मे या कोई कीमती चीज मोबाइल वगैरह ले जाएगा और वो बंदर को आप फ्रूटी दो तभी वो छोड़ेगा, खाली फ्रूटी। ओके। वो फ्रूटी के इतने शौकीन है कि आप उसको कोई और कोल्ड ड्रिंक दो, कोई और आपको आप उसको पानी वगैरह दो तो वो बिल्कुल भी वो चीज नहीं छोड़ेगा, जब आप उसको फ्रूटी देंगे तब छोड़ेगा। वो भी है अगर आपका नसीब हो तो। ये रील्स मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे। हाँ जी। और मुझे काफी सारे लोगों ने बताया कि वहाँ के बंदर जो है वो फ्रूटी पीते हैं, ओनली फ्रूटी के शौकीन है। आपसे ओनली फ्रूटी, मेरे ख्याल से फ्रूटी वालों को वही ऐड करना चाहिए। फ्रूटी वालों के एंबेसडर बंदर भी जानता है फ्रूटी का स्वाद, फ्रूटी वालों को एम्बेसडर बनाना चाहिए। तो सर आपने जैसे वाइल्ड लाइफ की बात की, यानी कि आप एक तो एस्ट्रोलॉजी फोटोग्राफी करते हो, सेकंड आपका जॉनर हो जाता है वाइल्ड लाइफ, एक पूरा वाइल्ड और एक पूरा टैली में, और जैसे कि आप वाइल्ड लाइफ में फोटोग्राफी करने जाते हो, काफ़ी बार काफ़ी सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है, मैं तो नहीं कर पाता हूँ, मेरा ये जॉनर भी नहीं और पता नहीं मैं कभी वाइल्ड लाइफ कर भी पाऊँगा। हाँ मैं वाइल्ड लाइफ करता हूँ, कभी बार वो डॉगी की फ़ोटो निकाल लेता हूँ, कैट की फ़ोटो निकाल लेता हूँ, वो घर पर कभी कैट घूमती है उसकी फ़ोटो निकाल ली, बस मेरे लिए वही वाइल्ड लाइफ है, उससे ज़्यादा बाहर में नहीं जा सकता। क्योंकि हम वेडिंग फोटोग्राफी करते हम थोड़े आलसी भी है, क्योंकि हमको आदत लग चुकी है एसी की, कंफर्ट की, ऑफिस में बैठने की, ऐसी आदत हमें लग चुकी है, दोपहर में खाना खा के सो जाने की, ऐसी सब आदतें लगी है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में मैंने जब तक सुना है तब तक बहुत स्ट्रगल है कि वहाँ पे घंटों तक आपको एक ही जगह, कितनी बार मैंने देखा है वो वीडियोस मैंने देखे है डिस्कवरी में कि अपने ऊपर वो पत्ते वत्ते डाल के छुप के, यार ऐसा कैमरा भी ऐसा बना देते हैं, लेंस भी ऐसा लेमिनेट करवाते हैं और ऐसा सब कुछ होता है। तो मुझे कुछ ऐसा बताया कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए
पर्टिकुलर लेंस कौन सा होता है, कितना सेटिंग तो हम स्क्रीन पर दिखा देंगे वाइल्ड लाइफ में, पर्टिकुलर एपस्टॉप, शटर स्पीड, आईएसओ, ये सब क्या क्या रखना पड़ेगा, लेकिन पर्टिकुलर लेंस कोई होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए या पर्टिकुलर कोई कैमरा होता है क्या, उसमें लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लैश का या विदाउट फ्लैश करना पड़ता है, वो थोड़ा एक डिस्क्राइब करें। जो कपड़े हैं वैसे मैंने मतलब बताया कि उसके ऊपर सैंड वगैरह तो नहीं होना चाहिए और कैमोफ्लेज होना चाहिए, जैसे आर्मी वाले के कपड़े हैं वैसे कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ घुल मिल जाओगे तो जानवर या कोई बर्ड आपके ज़्यादा नज़दीक आएगा, आपको वो ज़्यादा नज़दीक जाने की अपॉर्चुनिटी देगा। वाइल्ड लाइफ में अगर आप वाइल्ड लाइफर के पास अगर बड़ा लेंस देखते हो तो आपको अचरज होता होगा कि इसमें तो शेर कितना बड़ा दिखता होगा, बराबर, इसमें तो आँख के जो आईब्रोज है उसके एक एक बाल गिन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी वो एकदम सेंटर में छोटा सा दिखता है क्योंकि वो इतना दूर होता है। तो ऐसा करने पे जैसे मान लीजिए 600 mm, 500 mm, 400 mm में भी वो सेंटर के जो बीच वाला पोर्शन है उसी में ज्यादातर वाइल्ड लाइफ पर फोटोग्राफ खींच पाते हैं उतना, तो उससे थोड़ा और नजदीक जाने का और फुल फ्रेम में खींचने का उससे मौका बनता है। तो इसीलिए वो लोग कैमोफ्लेज कपड़े पहनते हैं, लेंस के ऊपर भी जैसे आपने पूछा वैसे वो फैशन के लिए नहीं लगाते, लेकिन अगर वो काला दिखेगा या सफ़ेद दिखेगा, कोई कोई लेंस बेज कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, तो अगर वैसे दिखेंगे जो सामने अगर पक्षी या कोई प्राणी है वो भाग जाएगा, तो अच्छा। उसको छिपाना बहुत जरूरी है। वो अगर जमीन जैसा या आजू बाजू पत्तेदार झाड़ियों जैसा दिखेगा तो ज्यादा वो एनिमल नजदीक आएगा। दोस्तों आप जो ज्यादातर प्रोफेशनल फोटोग्राफर 7200 इस्तेमाल करते हैं, वो एज अ टैली इस्तेमाल करते हो, तो वो वही लेंस वाइल्ड लाइफ में एज ए लैंडस्केप इस्तेमाल होता है। ओह, वहां से शुरू होता है। हाँ, क्योंकि 7200 से मान लीजिए कि हमें अगर कोई एक हर्ड दिखाना है जो प्राणियों का झुंड है, जैसे हाथी का, या मतलब हर एक जो झुंड होता है, जैसे हाथी के झुंड को हर्ड बोला जाता है, बराबर, जैसे शेर के झुंड को प्राइड बोला जाता है, अगर बहुत सारे शेर लेने हैं तो उसमें 7200 लगेगा, आपको जान के अचरज होगा। पूरा ग्रुप फोटो के लिए 7200 लगेगा, 7200 लगेगा जो आप पोर्ट्रेट में इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको जैसे पोर्ट्रेट खींचना है या बहुत नजदीक से अगर खींचना है तो आपको 400 है, 500 है, 600 है, वैसे लेंसेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आई थिंक 1200 तक अवेलेबल होता है। हाँ, 1200 तक अवेलेबल है, लेकिन ज्यादातर लोग 400 से 600 के बीच में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कम बजट में देखना चाहते हैं तो जैसे 100-400 हैं, और अगर उससे भी कम बजट में देखना चाहते हैं तो 150-600, 150-600 mm के लेंस आते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। लेंस के साथ जैसे आपने पूछा, वहाँ ट्राइपॉड या मोनोपॉड ज्यादातर इनकन्वीनियंट होते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ कब मूवमेंट मिल जाएगी। वो फैशन में या स्टूडियो में या वेडिंग में पता ही है कि हमें यही शूट करना है और सब्जेक्ट सामने ही खड़ा होता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ में ऐसा नहीं है कि ये शेर पे नजर टिका के बैठे हैं और कोई दूसरा शेर हरकत में आ गया, और कैमरा अगर ट्राइपॉड पे है तो वापिस सेटिंग करना, वहां से निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादातर वाइल्ड लाइफ पर बीन बैग इस्तेमाल करते हैं। उसे क्या कहते हैं, वो बोरी होती है जिसमें बीन्स माने जो पल्सिस हम खाते हैं, जैसे तुवेर है, अड़द है, वो भर के हम मतलब खाली बैग ले जाते हैं वाइल्ड लाइफ पर, और वहाँ कहीं नज़दीक की दुकान से वो ले लेते हैं और उसमें भर लेते हैं, तो वो एज अ सपोर्ट अगर जीप में ट्रैवल कर रहे हैं या कोई व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं या बर्डिंग के लिए आप कहीं नीचे ज़मीन पर सोए हुए हैं तो उसे एज अ स्टैंड वो लोग इस्तेमाल करते हैं। Okay. तो उसे कहते हैं बीन बैग, के अंदर ऑलरेडी बीन्स होते हैं इसीलिए उसका नाम बीन बैग, लेकिन कुछ भी हो सकता है, थर्मोकोल या कुछ भी। Okay. तो आपने जैसे बताया कि वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल फोटोग्राफी, तो इसमें इतनी सारी चीजों का पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और लेंसेस इतने बड़े बड़े आपको, यानी कि मैंने देखा हुआ है कितनी बार, तो ऐसा लगता है इतना बड़ा लेंस के एक पूरी सीट पे आ जाएगा इतना बड़ा लेंस, 1200 mm तक के लेंस भी इस्तेमाल होते हैं। तो आप जब भी ऐसा लेके जाते होंगे तो आपको कभी बार ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम आता होगा,
तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर बैग्स वगैरह कोई आते हैं क्या, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ के लिए बने हुए ऐसे कोई? हाँ जी, जो बड़े लेंस होते हैं ना, वो बड़े लेंस के साथ बड़े लेंस की बैग आती है। जैसे मान लीजिए छोटे लेंस के लिए पाउच आते हैं, कंपनी से 400, 500, 600 खरीदेंगे तो वो बैग में ही आएंगे। अच्छा, बैग के साथ ही आएंगे। हाँ, और ज्यादातर कंपनियां ऐसी भी मतलब लेंस बैग बनाती हैं कि उसमें अगर आपने बॉडी भी अगर साथ में लगाई है तो उसके साथ भी उसमें फिट हो जाए। ओके ओके। और कोई कंपनियां ऐसे बैग नहीं देती है तो वो फिर फोटोग्राफर परचेस करता है, जिसकी वजह से वो पूरा लेंस ऐसे बैरल जैसी बैग होती है। हाँ। उसमें पूरा लेंस रख देता है। ओके। अच्छा, मुझे अगर वाइल्ड लाइफ में नाइट में फोटोग्राफी क्या पॉसिबल है, पहले तो ये, दूसरा कि नाइट में फोटोग्राफी करते वक्त क्या मैं फ्लैश इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैसा कुछ पर्टिकुलर कोई इक्विपमेंट्स आता है? वाइल्ड लाइफ में थर्मल कैमरा ज़्यादातर वाइल्ड लाइफर इस्तेमाल नहीं करते हैं मेरे ख्याल से तो, लेकिन जो थर्मल कैमरा है वो ज्यादातर हंटर्स इस्तेमाल करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। ओके। जिसकी वजह से उनको शिकार करने की परमिशन होती है, उनके पास परमिट होती है जो इंडिया में बैन है। तो वहां संख्या वो पर्टिकुलर जो एनिमल है उसकी बढ़ न जाए वो पार्क में, इसीलिए वो लोग परमिशन देते हैं और उसको ढूंढने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर थर्मल कैमरे से फोटोग्राफी करते हुए मैंने तो रेयरली ही देखा है। जो कैमरे हैं वो थर्मल कैमरे नहीं होते हैं, आम कैमरे ही होते हैं और वैसे ही कैमरे इस्तेमाल करते हैं, फ्लैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बरा वाइल्ड लाइफ में हर एक जोनर के नियम होते हैं और उसमें फ्लैश अलाउड नहीं है। को जान के अचरज होगा कि टेस्टिंग बर्ड होते हैं या कहीं बच्चों के साथ माँ होती है, उसको डिस्टर्ब करना या उसकी नज़दीक से फोटोग्राफी करना वो भी नियम के विरुद्ध है। बहुत सारे कायदों का पालन करना पड़ेगा। बहुत सारे, जैसे जोनरा बदल जाता है वैसे ही सारे नियम बदल जाते हैं और उसमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत सारी आ जाती है। तो आपका एक फोटो है जिसमें चीता हरण को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही नजदीक है, फोटो आपने क्लिक किया, यानी कि वो फोटो कब क्लिक हुआ और उसके पीछे की स्टोरी थोड़ी जानना चाहेंगे हम। तो ये जो पर्टिकुलर चेस है वो उसके लिए हम सनसेट ऑलरेडी हो गया था, ब्लेसिंग ही आप बोल सकते हो, कि दूर चीते दिख रहे थे और हम वैसे ही बैठे थे, देखा कि वहां घूमते घूमते क्षितिज पे ही चीते थे और घूमते घूमते हरण आ गए, हिरणों को पता नहीं था और चीते ने उसके पीछे चेस लगाई। मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली और करीबन वो मेरा 400mm का लेंस था, फूजी का 100-400 लेंस था, उससे मैंने 400 पे रखा। बहुत अंधेरा हो गया था तो ISO करीबन 4000 के आसपास और शटर स्पीड भी मैंने 1:1000 और मैं रॉ में फोटो खींची है और वो रॉ डेटा को प्रोसेस करके मैंने ये फोटो निकाली है, लेकिन ये फोटो मेरे भी दिल के बहुत करीब। बहुत सारे लोग मैंने दुनिया भर में देखे हैं कि चीता और लेपर्ड में कंफ्यूज रहते हैं। तो चीता ग्रासलैंड का प्राणी है और लेपर्ड जो है वो जो घनी झाड़ियाँ होती है वैसी जगहों पे रहता है ना, वो पेड़ पे चढ़ सकता है, चीता भी चढ़ सकता है, लेकिन वो ज्यादातर ग्रासलैंड में सबसे तेज गति से भागने वाला दुनिया में जो अगर एनिमल है वो चीता है। तो वो खुले मैदान में प्राणियों को चेस करके पकड़ता है, छुप के नहीं पकड़ता, वो उसके पीछे हो सके उतना नजदीक जाता है फिर दौड़ लगाता है और पकड़ता है। और आपकी एक फोटो है जिसमें वो आई थिंक जो झाड़ पे चढ़ा है वो चीता ही है, एक लेपर्ड से, वो थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया, वो लेपर्ड है। ओके। दोस्तों वो लेपर्ड है। और वो कैसे पहचाने, तो वो जो शरीर का जो बंधारण होता है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो दोनों का अलग होता है और दूसरा जो उसके ऊपर जो चकत्ते होते हैं वो भी अलग होते हैं। ओके। तो उससे आप पहचान कर सकते हैं। तो वो अर्ली मॉर्निंग का शॉट है, दोनों मसाई मारा केन्या में लिया है। Okay. मतलब अफ्रीका में मैंने दोनों शूट किए हैं। और मुझे ये जो फोटो की बात कर रहे हैं गौतम भाई वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है, वो लेपर्ड जो पेड़ ऊपर हैं और दूर क्षितिज पे देख रहा है वो फुजी फिल्म इंडिया के MD के कैबिन में उनके बिल्कुल चेयर के पीछे लगा हुआ है। Wow, great. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सुन के, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे फोटो आते रहते हैं और उन्होंने ये पसंद किया तो थैंक यू फूजी उसके लिए। ये अर्ली मॉर्निंग का शॉट्स है,
और वहां भी मतलब लाइट बहुत कम थी। लाइट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगेंस्ट लाइट है, और अगेंस्ट लाइट में मैंने ये फोटो खींची थी। मैं पेड़ के बिल्कुल 10-20 फुट दूर ही खड़ा था, ऑफ कोर्स जीप में था, नीचे नहीं खड़े रह सकते नेशनल पार्क में। तो जब ये चीता ने ये ऐसा स्टांस लिया, ऐसा पोज लिया, तो मैंने ये फोटो क्लिक किया। वाओ ग्रेट। दोस्तों वाइल्ड लाइफ में वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हो सके तो कंटिन्यूअस हाई स्पीड या कंटिन्यूअस लो स्पीड पे, जब मोशन अगर होने के चांसेस कम है तो कंटिन्यूअस लो शटर स्पीड पे अगर आपको कैमरा रखना चाहिए। Okay. अगर आपको लगता है कि चीज शुरू होने वाली है या ऐसा कुछ है तो आपको कंटिन्यूअस हाई शटर स्पीड पे कैमरा रखना चाहिए, और हो सके उतनी ज़्यादा शटर रखनी चाहिए। ऑब्वियसली जो हम जानते हैं लेंस का जो नियम है कि अगर 400 का लेंस इस्तेमाल कर सकते, तो अगर हमें ब्लर कैमरा ब्लर फोटो नहीं चाहिए तो 1:800 से ऊपर होनी चाहिए, और सामने पक्षी या जो एनिमल है वो कितना स्पीडी है या वो कितना स्विफ्टली आपके स्क्रीन से जाएगा वो हिसाब से भी उसका एडजस्टमेंट होना चाहिए। अगर 400 का लेंस है तो 1:800 से लेके आपको 1:2000 1:4000 तक की स्पीड रखनी पड़ेगी। गुड। तो आपने जैसे बात की थी अभी के वृंदावन के बंदर जो फ्रूटी पी जाते हैं, और सबसे ज्यादा मुझे लगता है फ्रूटी की खपत वहीं पे होती है। ज्यादातर मैं जब स्ट्रीट फोटोग्राफी की बात करता हूँ, मुझे नजर आते हैं पहले तो गंजेड़ी लोग गांजा मारते हैं, और काफी सारे मैंने लोगों को ये भी देखा है कि जो ज्यादातर स्ट्रीट करते हैं वो गांजा मार के करते हैं, मुझे ऐसा सुनने में आया है। बिकॉज समटाइम्स अगो आई ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्ट्रीट फोटोग्राफी, दैट टाइम ओनली आई मीट स्ट्रीट फोटोग्राफर दे स्मोकिंग गांजा, और उन्होंने ऐसा बोला आप ये फूकोगे तभी जाके आपको ये नजरिया बदल जाएगा। तो क्या आपको भी ऐसा कोई गांजा पीने के बाद ऐसा कोई नजर आता है जो आपकी स्ट्रीट फोटोग्राफी आपने रखी हुई है, तो आपके जो भी वहां पे सब्जेक्ट है, क्या आपने गांजा मारा था? क्या गांजा मारना जरूरी है? या स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए कुछ अलग कपड़े लगते हैं? मैंने वो भी देखा हुआ है कि ज्यादातर स्ट्रीट फोटोग्राफर वो बिखरे हुए बाल, बालों में चोटी, दाढ़ी में चोटी, और ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कितने दिन से नहाया नहीं है, वो भी साधु बन जाते हैं, उनको ऐसा लगता है मैं भी साधु बन जाऊं और स्ट्रीट फोटोग्राफी करूं। अगर वृंदावन की होली अगर मैं शूट कर रहा हूं तो वृंदावन की होली में भी मैंने वो देखा हुआ है कि ऐसा बन जाते हैं। तो कैसा जरूरी है कि मैं एक फॉर्मल कपड़े पहन के, या आप तो डॉक्टर हो सर, ठीक है, तो आप डॉक्टर टाइप के एकदम मस्त ऐसे ब्लेजर्स पहन के क्या आप स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कर सकते? या स्ट्रीट फोटोग्राफी से मैं अगर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ तो मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी से क्या सीख सकता हूँ, या मैं प्री वेडिंग स्ट्रीट पे कर सकता हूँ? हाँ जरूर कर सकते हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी में नहीं दोस्तों, कोई भी फोटोग्राफी में मुझे लगता है कि अगर फोटोग्राफर कैमोफ्लेज हो तो ज्यादा, कैमोफ्लेज माने अगर उसमें गुल मिल जाए तो आप सबसे अच्छे फोटोग्राफ निकाल सकते हैं। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी जैसे आपने गौतम भाई बोला हंसी मजाक में, लेकिन स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी मुझे लगता है कि अगर वहां जो लोग रहते हैं या जैसी स्ट्रीट पे जाते हैं, अगर मैं ब्लेजर पहन के वहां जाऊंगा तो लोग मेरे सामने देखेंगे। अच्छा। और जो जब भी मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी अगर करता हूं तो मुझे अनअवेयर चेहरे चाहिए, मतलब कैमरे में दिखने वाले चेहरे से स्ट्रीट फोटोग्राफी उभर के नहीं आएगी। मैंने जो अपना पहरवेश है वो ऐसा रखा है कि जो मुझे आजू बाजू घुलने में मदद करे। हमने बात की वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ में कैमोफ्लेज होके जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है दोस्तों कि कैमोफ्लेज हर जगह होना चाहिए। तो आप देखिए कि अच्छी अच्छी वेडिंग कंपनियां हैं वो आपको सलवार कुर्ता पहन के ले जाती हैं, जैसे हल्दी में हल्दी वाले कपड़े पहन के ले जाते हैं, तो वो बहुत सातिर है दिमाग से, और वो जानते हैं कि गुल्ला मिलना बहुत जरूरी है। yes, yes. उनमें से ही एक दिखोगे और आपको कैंडिड मोमेंट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। okay. और वही बात स्ट्रीट में भी लागू होती है। अब मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूँ, अगर वेडिंग वाले या प्रोफेशनल फोटोग्राफर स्ट्रीट फोटोग्राफी करे तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। okay. क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि जो स्टूडियो फोटोग्राफी करते हैं या प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं या वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, उसमें सारे जॉनर आ गए जो प्रोफेशनल हैं, वो लोग के हमें सब्जेक्ट रहता है। जबकि आप स्ट्रीट में निकलोगे आपको हर तरफ, मतलब आपको सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, कहाँ मोमेंट मिलेगा वो आपको नहीं पता है। सर के पीछे भी दो आंख चाहिए, बराबर, और चार आंखों से आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ
वो मूवमेंट मिल जाए और वो मूवमेंट वो क्षण पे कैप्चर करना बहुत ही जरूरी है। ओके, वही पिक्चर की जान है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में मैं मानता हूं कि मूवमेंट ही जान होती है, स्ट्रीट फोटोग्राफी में स्टोरी पिक्चर की जान होती है। अगर वो नहीं है कि वेडिंग में तो आपके सब्जेक्ट के सामने कोई नहीं होता, लेकिन स्ट्रीट में आपके सब्जेक्ट के सामने से चार आदमी गुजरते हैं तो उसको ओवरलैप कैसे नहीं होने देना है, पीछे भी एक दूसरे से वो ओवरलैप ना हो, वो सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करेंगे वेडिंग वाले या कोई भी प्रोफेशनल फोटोग्राफी, तो आप वेडिंग में मास्टर हो जाएंगे। वाओ, ग्रेट। यानी कि ये एक अच्छा मुझे सुनने को मिला और आपसे एक सीखने मिला कि अगर स्ट्रीट करने के बाद अगर आप वेडिंग करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अच्छा, आपने अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफी में कोई ऐसे फोटोस, और मैंने जब तक आपके देखे कि जस्ट लाइक वृंदावन की होली, तो उसमें तो कलर पानी वो सब कैमरे के अंदर भी चला जाएगा, तो उसको कोई प्रोटेक्ट करके आप यानी चलते हो कि उसमें कोई प्रोटेक्शन होता है कि ऐसे ही लेके निकल पड़ते हो? तो जब भी मैं वृंदावन गया तो मैंने देखा कि वृंदावन में होली तो मुझे देखनी थी, क्योंकि मैं हर साल उसके फोटो देखता था। तो जब मैं वहां गया तो मुझे लगा कि मैं यहाँ टिक पाऊंगा कि नहीं। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ गुजरात में तो कैसी होली होती है कि एक 100 ग्राम कलर लाते हैं जिसमें से पूरा मोहल्ला होली खेलता है, तिलक वाली होली करते हैं। जबकि वृंदावन में लोग बोरियां लेके चलते हैं, आपको अचरज होगा, 15 किलो की बोरियां लेके चलते हैं और पूरी बोरी वो लोग एक ही बार में किसी के ऊपर डाल देते हैं। तेरी। तभी वो जो प्रोटेक्शन कवर वगैरह लगा के मैं गया और पहले ही दिन मेरा बरसाना, जो राधा जी का घर माना जाता है, राधा जी बरसाने की थी और जो कृष्ण है वो नंद गांव के थे। करीबन दोनों गांव के बीच में 5 या 10 किलोमीटर का अंतर है। और बरसाने में जब मेरा पहला दिन था, मैं मंदिर में इतनी भीड़, और अगर आप एक जगह भी मिल जाए आपको पुलिस वाला वहां तक जाने थे वही गेनिंग मत समझो, और वहां एक ही जगह पे खड़े रह के आपको जो मिले उसके आपको फोटो निकालने। ओके, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, मतलब एक जगह पे टिक गए तो वो जगह पे से आपको फोटो निकालने हैं। और कलर की बात करें तो मैंने देखा कि अरे इससे तो मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूं, तो मैंने मतलब पूरा कवर निकाल दिया। कैमरा मेरे पास 50S GFX था, मीडियम फॉर्मेट, तो मैंने पूरा ओपन करके ही फोटो सारे लिए। फिर मतलब मैं तो वहां अकेला ही अंदर जा पाया था, मेरे जो दोस्त थे वो नहीं आ पाए थे अंदर, क्योंकि पुलिस वालों ने उनको नहीं आने दिया था, और मैं मतलब अपने सफेद बाल दिखा के अंदर घुस गया था। जब मैं रूम टल के रूम पहुंचा तो वो लोग ने उसकी जो मैंने गाली खाई, कैमरा मेरा था लेकिन जो कैमरे की हालत थी वो देख के और जो कैमरे बैग की जो हालत थी वो देख के उन्होंने जो मुझे गाली दी है। ओके, इवन कि आपका कैमरा था फिर भी इतना महंगा है, GFX मीडियम फॉर्मेट, यानी आई थिंक सो 5-1 लाख रुपए का लेंस के साथ होगा कि उससे भी महंगा है। उससे भी थोड़ा महंगा हो तेरी, यानी सही में ये शौकियाना तौर पर ही किए जाने वाली चीज है। हम तो 1-1.5 लाख का कैमरा भी छुप छुपा के चलते हैं कि कहीं कोई उस पर पानी या कलर नहीं डाल दे। लेकिन गौतम भाई, जो चीज के लिया है वही चीज में अगर वो काम ना आए तो वो किस काम का, वो इन्वेस्टमेंट ही उसी के लिए किया था। ओके, यानी आप जैसे होली की बात करो, मैं भी होली की फोटो खींचता हूँ, लेकिन मैं तो दूर दूर से लंबा लेंस लगा के सुंदर कन्याओं की फोटो क्लिक करता हूँ, क्लब व्लब में जो होली होती है उसमें भी पोर्ट्रेट निकाल के लाता हूँ। उस टाइम भी मुझे डर लगता है कि मेरे कैमरे पे आके कोई कलर ना डाल दे या मेरे कैमरे पे आके कोई पानी ना डाल दे, ऐसा मुझे डर लगता था। ऐसा डर आपको नहीं लगा? लगा था और चिंता भी थोड़ी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक ही दिन है मेरे पास, शायद ही मैं दूसरी बार ऐसी जगह पे आ पाऊंगा, तो दिस इज एन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और उसमें मुझे जो करना है, और जैसे मैं अंदर जा पाया था वो सिचुएशन भी देख के कि ये साल बो साल, और फोटोग्राफर
जितने वहाँ आम आदमी थे उतने ही फोटोग्राफर थे। तो मुझे लगता है कि वो हर साल वो कंडीशन वर्स होती जाएगी। हाँ, और उसमें मतलब शामिल होना बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। यानी फोटोग्राफरों की होली थी। हाँ, वो फोटोग्राफर की ही होली थी। अगर आप फोटो किसी के भी फोटो देखेंगे तो जितने आम लोग दिखेंगे उतने ही फोटोग्राफर उसमें दिखेंगे। ओ, ग्रेट। यानी वहां पे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो हाँ, जितना हो सके उतना जल्दी जाइए वृंदावन होली की फोटोग्राफी करने। हाँ जी, तो हर साल और एक साल एक बार कम से कम जिंदगी में एक बार अनुभव दोस्तों करना जरूरी है। ब्रिज की जो होली है वो बहुत ही यूनिक है। अगर आप नहीं गए तो आपने कुछ नहीं देखा। वाह, तो हम भी चाहेंगे कि हम भी जाए, और आप भी अगर सुन रहे हो तो आप अगर फोटोग्राफर हो तो एक बार जीवन में जरूर जाए। और मेरे तो शायद काफ़ी सारे ऑडियंस जो है ना वो मथुरा वृंदावन से भी है वहाँ पे, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स है तो वो लोग भी शायद सुन रहे होंगे। और वो लोग वहाँ बैठ के भी नहीं जाते हैं। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, यानी वाराणसी मैनचेस्टर ऑफ द स्ट्रीट फोटोग्राफी ऐसा बोला जाता है वाराणसी, और मैं जब भी मेरी वाराणसी में वर्कशॉप होती है तो हर एक को बोलता हूँ मैं कि पूरी दुनिया खींच के वहाँ जा फोटो शूट के लिए आती है, और वाराणसी वाले हाथ में कैमरा पकड़ के बैठ के देखते रहते हैं, कह रहा हूँ ऐसी फोटो क्यों नहीं खींच। वो वेडिंग के लिए कहीं और जाते होंगे जबकि वहाँ सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यस यस, वाराणसी और कोलकाता ये दोनों को स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए स्वर्ग माना जाता है। वाह, तो यानी वाराणसी और कलकत्ता जो है यार, और ज्यादातर स्ट्रीट फोटोग्राफी वहां से ही निकलती है ऐसा मैंने देखा हुआ है। अच्छा, मान लो कोई बंदा इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकता है बाय ट्रेन बाय फ्लाइट, तो क्या उनके शहर में उनके गांव में भी स्ट्रीट फोटोग्राफी हो सकती है क्या? हाँ जी, जरूर हो सकती है। मैं बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स मिलते हैं मेरे स्टूडेंट की तौर पे, फैन की तौर पे, उनको मैं बताता हूँ दोस्तों कि आप अपने ही गांव में, जैसे मान लीजिए कि गणेश जी की स्थापना है, गणेश जी का विसर्जन है, नवरात्रि है, वहां जाके आप सब्जेक्ट ढूंढ के फोटोग्राफी खींचते की, और एक कैंडिड मोमेंट लाइए। ऐसी नहीं आम मोमेंट नहीं सारे डांस कर रहे हैं और आपने ले लिया, उसमें से कोई यूनिक चीज ढूंढ के लाइए और देखिए आपकी प्रोफेशनल फोटोग्राफी है वो कैसे निखर के आती है। यानी प्रैक्टिस कर सकते हो आप वहां पे जाके कि कैंडिड पिक्चर्स अगर आपको निकालना है तो कैंडिड पिक्चर्स की प्रैक्टिस। सोशल मीडिया पे देखा था स्ट्रीट फोटोग्राफी में शायद एक फॉरेनर्स थे या पता नहीं वो कहीं से थे, वो इंडियन नहीं थी, और वो गंगा आरती थी क्या, वो गंगा की आरती, यमुना आरती थी, यमुना आरती, ओके। तो वो आरती के कुछ थे, वो फोटो की पीछे की कहानी क्या है, फिर दूसरी फोटो है शायद आपकी वो होली वाली ही, उसके पीछे की कहानी क्या है, तो आपकी जो पिक्चर्स है वो पिक्चर्स के बारे में जो हम स्क्रीन पे अभी दिखाई देंगे तो उसके पीछे की आप कहानी बताइए। तो जैसे कि ये जो फॉरेनर्स वाली जो फोटो है वो यमुना घाट पे, जैसे गंगा घाट पे आरती होती है वाराणसी में, वैसे ही वृंदावन में यमुना घाट पे हर रोज आरती होती है, और यमुना जी की आरती होती है, और बहुत सारे लोग जो बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं वो भी अंदर शामिल होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं वो भी शामिल होते हैं। तो वहाँ जाके, वहाँ पता नहीं है कि क्या मोमेंट मिलेगा। तो मैं वहाँ गया, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो भीड़ में तो कुछ, तो मैंने थोड़ी ऊंचाई पे जगह बना ली और फिर मैं वहाँ बैठ के अपनी मोमेंट ढूंढने लगा। वो सूर्यास्त पे होती है और सनराइज पे होती है, तो सूर्यास्त आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हो गया था, और तब जाके दोस्तों कहाँ क्या काम आ जाए सीखा हुआ वो यहाँ देखिए आप, कि वो एज ए मतलब एक तरह की नाइट फोटोग्राफी ही है कि बिल्कुल अंधेरा हो गया था और तब मैंने ये फोटो खींची है। और तब जैसे मैंने बताया कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी में तो सब्जेक्ट सामने होता है और आप उसको कुछ भी कह सकते, टाइम्स आप उसके पास कुछ भी करवा सकते हैं, तो वैसा स्ट्रीट फोटोग्राफी में नहीं होता है। हाँ, मैं देख रहा था कैमरे में से और मैंने देखा कि ये अपना मोबाइल फोन निकाल रही है एक तरफ और वो पीछे की तरफ, पकड़ लिया कि ये पक्का अपना सेल्फी लेगी, और उसने अपना सेल्फी लिया। तभी उसमें बाजू में एक विलेजर्स महिला थी, उसने भी उस तरफ देखा। ये फोटो में ऐसा मोमेंट आया कि वो अपना जो मोमेंट है वो कैप्चर कर रही है वो लेडी, और वो विलेजर्स भी उसके साथ देख रही है, ऐसा लगता है कि दोनों साथ में सेल्फी खींचा रहे हैं। ओके ओके ओके। एक फोटो से जो है स्त्री सहज ईर्ष्या, और दूसरी एक फोटो है कि जिसमें एक कहानी है जो आपने ही बताई, विश्वामित्र और मेनका, आई थिंक सो, जो तप कर रहे थे और मेनका ने उनका तप भंग किया था,
तो ऐसी फोटो है आपके उसमें, तो ये दोनों के पीछे की कहानी जरा हमें डिस्क्राइब करिए, जो अभी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फोटो, तो फोटो की कहानी सर हमें बताएंगे। मैं इंडोनेशिया गया था और वहाँ अभी शूट चालू होने वाला था और ये दो लड़कियाँ पोज ले रही थी। कैमरे से ही देख रहा था ज़्यादातर। मेरी आँख, जब मैं फिल्म में होता हूँ तो मेरी आँख व्यू फाइंडर पे ही होती है, तो मैंने देखा कि अभी मूवमेंट बनने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आप हर एक साड़ी में देखते होंगे कि जो मेल है वो अगर एक सरी के कपड़े वाले मिल जाए तो खुश होते हैं, और स्त्री को रोना आ जाता है, जल्दी मैरिज से भाग जाती है। तो वैसा ही कुछ आपको वो फोटो में दिख रहा है। बड़े ध्यान से और ईर्ष्या से वो दूसरी लड़की के कपड़े देख रही हैं। मूवमेंट जो मैंने पकड़ ली उसकी वजह से वो फोटो ज्यादा वायरल हुई थी, क्योंकि उसमें एक स्टोरी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपके फोटो टेक्निकली एकदम परफेक्ट होने चाहिए। अगर आपको वो फोटो अच्छी लगती है तो उसमें जरूर कोई अच्छाई होगी। हम सबको पता चलता ही है कि मान लीजिए जो फोटोग्राफर नहीं है उनको भी पता है कि ये फोटो अच्छी है और ये खराब। लेकिन जो अगर अच्छा फोटोग्राफर है, जो जानकार फोटोग्राफर है, उसको ये भी पता है कि ये फोटो क्यों अच्छी है और ये क्यों खराब है। अगर वो सीख जाए तब आप अपने फील्ड में A1 हो जाएंगे। और दूसरी जो बात बताई आपने, वो विश्वामित्र और मेनका वाली, वो मैंने यमुना घाट पे ही खींची थी। करीबन 9 बजे के आसपास का समय था। जो पुरुष था वो स्नान करके ये जो जगह है वहाँ पे बैठ के अपना पाठ कर रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रीट पे तो घूमते घूमते जो मिले वो खींचना पड़ेगा। हम कहानियों में सुनते हैं कि सोमवार के दिन अगर मंदिर से बाहर निकले और जो पहला अगर आदमी मिल जाए वही तुम्हारा पति है, वैसा नहीं होता। आपको वो मोमेंट या आपको वो स्टोरी ढूंढनी पड़ेगी। तो वो स्टोरी में मैंने देखा कि वहां नदी में एक स्त्री स्नान कर रही है और ये कोई अपने धर्म ग्रंथ से वो जपन कर रहा है। वो दोनों को कंबाइन करके आपने, आप देखिए कि उसमें बहुत छोटी सी जगह है और बहुत सारे छोटे छोटे पिलर्स हैं। मैंने किसी भी चीज को ओवरलैप नहीं होने दिया। पानी भी दिखता है, वो स्त्री भी दिखती है, वो बुक्स भी दिखती है, पुरुष का चेहरा भी दिखता है। कहने का मतलब, और वहाँ रूल भी सारे फॉलो किए गए हैं। ये सारी चीजें मिलके वो फोटो ब्यूटीफुल बनाती है। तो जो मैंने पहले बताया कि अगर वो आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज ये फोटो में अच्छी है, और वैसे अगर आप पेंटिंग से, फोटोग्राफ से अगर सीरीज देखते हो, मूवीज देखते हो, वो सब अगर आप वो तरह से देखना अगर शुरू करेंगे, अगर आप फोटोग्राफर हो तो आपको ऐसा करना चाहिए, और वैसे देखना अगर आप शुरू करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से वो चीज़ समझ में आएगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई वर्कशॉप चाहिए तो मैंने एक वर्कशॉप ऐसा डिजाइन किया है कि इसमें जाने माने पेंटरों का, गौतम भाई पेंटिंग्स दिए हैं, जाने माने फोटोग्राफर्स का फोटोग्राफ दिया है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ वो सबके सामने, तो मैं अपने फोटो पे वो सब नहीं दिखाता। और मूवी के सीन्स दिया है, जो जाने माने मूवी है, जो हर एक ने देखे होंगे, जैसे कि रॉकस्टार है, जैसे कि भूल भुलैया है, जैसे कि बाजीराव मस्तानी है, वैसे मूवी के सीन्स जो सबने देखे हैं, और उसके ऊपर मैं बताता हूँ कि ये सीन में क्या ऐसी चीज है, और वो लोग कैसे ऐसे मतलब स्टोरीज बनाते हैं, कैसे ऐसे कंपोजिशन बनाते हैं कि हमें मतलब पर्टिकुलर डायरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। तो और उसके बाद मैं वो टॉपिक पे आता हूँ कि इसके ऊपर से मैं क्या सीखा और उसकी प्रेरणा लेके मैंने कैसे फोटो बनाए। अगर आप चाहते हो तो आप ऐसा वर्कशॉप मेरे साथ कर सकते हो। यानी कि आपका कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं अपने वर्कशॉप में मैं भी बताता हूँ कि आपको अगर एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर बनना है तो आप हमेशा कैमरे के पीछे बैठ के देखिए, ना कि स्क्रीन के आगे। यानी कि आपको हर एक कहानी को देखना है, बिल्कुल सही कंपोजिशन बात को देखना है, रूल्स को देखना है, और हर पिक्चर हर वीडियो आपके लिए ट्यूशन होनी चाहिए या कि आपने वो पिक्चर्स जो देख रहा वीडियो देखते हो सिर्फ एंटरटेन मत हो,
वो ट्यूशन की तरीके से देखो कि क्या कंपोजिशन रखा है, फॉरग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है। अभी आपने संजय लीला बंसाली की जब बात की तो अभी हीरा मंडी जो आई थी भाई साहब, हर एक फ्रेम एक पेंटिंग था। हाँ जी, हर एक फ्रेम लाइटिंग से लेके हर एक चीज, यानी वो उनकी जो एक्ट्रेस का जो मैंने कपिल शर्मा शो में जो सुना था कि संजय सर ने पर्दों से भी एक्टिंग करवाई है, झूमर से भी एक्टिंग करवाई है, कि झूमर भी उसमें एक्टिंग कर रहा है और पर्दे भी वहां पे एक्टिंग कर रहे हैं। तो इतना डिटेल में जाते हैं संजय लीला सर, तब जाके ऐसी एक बेहतरीन, हाँ जी, तभी ऐसी मतलब सीरीज बन सकती है। और आप फ्रेम द फ्रेम उसको काट के एज अ फोटोग्राफ भी देखेंगे, और वही मैं अपने जो वर्कशॉप है उसमें वो समझाता हूँ कि अगर आप अच्छी मूवी या अच्छा सॉन्ग इसीलिए लगता है कि उसमें जादू होता है, उसमें जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कैमरामैन है, जो एक्ट्रेस हैं और एक्टर हैं, उन्होंने तो जान डाली ही होती है, लेकिन इन सब ने, मेकअप आर्टिस्ट ने, बहुत लोगों ने उसमें जान डाली है। तो अगर हमारी फ्रेटर्निटी की बात करें तो लाइटमैन और कैमरा का कितना रोल होता है वो मैं उसके माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसी की वजह से वो हमें इतने मैजेस्टिक लगते हैं स्क्रीन पे। गुड। अभी सर आपका इतने सारे जॉनर है, उसके बाद आप एक और जो कंप्यूटर से रिलेटेड है जिसका नाम है AI, तो AI में आप क्या क्या चीजें यानी इस्तेमाल करते हो, कि AI में क्या सॉफ्टवेयर स्पेशल इस्तेमाल करते हो, कि फोटोशॉप ही है या कुछ अलग एप्लीकेशन है, कैसे आप करते हो? तो AI के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ फ्री हैं, मैं जो इस्तेमाल करता हूँ वो मीड जर्नी AI करके हैं। और फोटोशॉप में मैं काम करता हूँ तो उसमें भी जनरेटिव फील, जनरेटिव एक्सपांड और जो एडोबी फायरफ्लाई है उसका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं उनके भी वर्कशॉप करता हूँ, कल ही अहमदाबाद में मेरा वर्कशॉप है और पूरा एक दिन मैं AI के ऊपर बात करने वाला हूँ कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को वो कैसे मतलब काम लगेगा, अगर उससे नुकसान होगा या काम में आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया शुरुआती शब्दों में कि अगर फोटोग्राफर उससे सीख जाए, उसे दोस्ती कर ले, तो वो एक जिगर जान दोस्त है, अगर दोस्ती नहीं करेगा तो वो दुश्मन है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यानी सीधी बात है, नई टेक्नोलॉजी को जानना है, नई टेक्नोलॉजी को समझना, सीखना ही पड़ेगा। बराबर, जैसे कि मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं, 17 साल पहले गौतम भाई हाथ से रिक्शा खींचता था, जिसमें आदमी पीछे बैठता था और जो खींचता है, और कई कई शहरों में आज भी कोलकाता में जैसे है, और टांगे वाले थे, तो आज सारे नहीं है। तो वो क्या उनके वंश वारस या उसके मतलब जो पूरा परिवार था वो खलास हो गया? नहीं, उन्होंने शायद रिक्शा ले ली, ऑटो ले ली, उन्होंने शायद कैब ले ली, और वो इससे धंधा कर रहे हैं, अपडेट हो गया। वो अपडेट होके हाथ से जो रिक्शा खींचता था, और वो कितना थक जाता होगा, और दिन भर में कितने लोगों को, और अगर इसके पास जो अभी रिक्शा है या जो अभी कैब है वो है, तो वो उससे मतलब दिन में कितने किलोमीटर और कितने सारे ग्राहकों का वो सेवा कर सकता है, तो उसको पैसे भी ज्यादा मिलने लगे और वो उससे आमदनी भी बढ़ी और उसकी सहूलियत भी बढ़ी। तो यही एक उदाहरण है, वो फोटोग्राफर को भी सीखना चाहिए कि जिसकी वजह से मतलब अगर आप अपग्रेड होंगे तो यही आपका दोस्त हो जाएगा। यानी आपने जो कहा उसका एक सीधा उदाहरण है कि नोकिया का मोबाइल, एम्बेसडर कार और HMT की घड़ी, तीनों अपने आप में एक ब्रांड थे, लेकिन अपडेट नहीं हो पाए, इसी वजह से लुप्त हो गए। अगर आप भी अपडेट नहीं हो गए तो चौथा नंबर आपका भी हो सकता है। हाँ, शायद उस जमाने में अगर नोकिया चल रहा था और तब कोई आपको बोलता कि ये 5 साल बाद कहाँ होगा, किसी को नहीं पता, तो कोई मानता नहीं। तो यानी ऐसी ऐसी कंपनियां, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड लुप्त हो गई जो अपडेट नहीं हो पाई, आपको भी अपडेट होना जरूरी है। तो सर का इंस्टाग्राम ID भी मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, और अगर हमारे कोई फॉलोअर्स का आपके ऊपर कोई मैसेज आता है तो आप इंस्टाग्राम से उनको रिप्लाई दें,
जरूर जाएंगे और आप इनको फॉलो करिए, इनकी फोटोग्राफी, इनका जो एस्ट्रो फोटोग्राफी है, इनका जो एआई है, इनका जो वाइल्ड लाइफ है, इनका बहुत सारे जॉनर्स है, यानी एक साथ इतने सारे जॉनर आप संभालते हो, हम तो सिर्फ खाली वेडिंग और प्री वेडिंग संभालते हैं। तो सर और कुछ आप अगर हमारी ऑडियंस को कहना चाहो, ये जो हमारे वीडियो के अंत में आप अगर कुछ बताना चाहो तो क्या बता सकते हो? दोस्तों मुझे लोगों से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, तो मैंने छोटे से छोटे आदमी से लेके बड़े आदमी के साथ कैसे रहते हैं वो सीख लिया था वो प्रोफेशन से, और वही मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो मुझे बातें करना, मुझे मेंटोरिंग करना फोटोग्राफी में बहुत अच्छा लगता है। तो आप बेझिझक गौतम भाई मेरा नंबर शेयर करेंगे, मेरे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, मेरी वेबसाइट है, वो सब शेयर करेंगे आपसे, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी मदद के लिए मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप अपने शहर में अगर वर्कशॉप करना चाहते हैं मेरा, अगर ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई ग्रुप है, अगर आप हॉबीस्ट हैं और आपका कोई छोटा मोटा फोटोग्राफी का ग्रुप है, तो आप उसमें भी वर्कशॉप करवा सकते हैं। ग्रेट। तो दोस्तों देखा, एक डॉक्टर के प्रोफेशन से आकर एक फोटोग्राफी पैशन तक, यानी कि आपका जो दोनों डॉक्टर कहाँ कहाँ फोटोग्राफर, तो ये पूरी जो जर्नी है इन्होंने हमारे साथ शेयर की, और ये जितने सक्सेसफुल डॉक्टर है उतने ही सक्सेसफुल आज की डेट में फोटोग्राफर भी है, और क्योंकि मेंटर है, वर्कशॉप दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं और आपको सिखाना भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ हम आए और ऐसे वीडियोस अगर शेयर करें तो आप लोग कमेंट जरूर करें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ऑडियंस की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी कि आपने आज जो हमें ज्ञान दिया, और ऐसे ही बार बार हम आपका लाभ उठाते रहे, मौका हमें मिलता रहे। बस ऐसे गौतम भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और आपके खाली बुलावा आना चाहिए, मैं आ जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आए, तो आप कमेंट करना ना भूले और वीडियो हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करें। बाय बाय, जय श्री कृष्ण। थैंक यू।